भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। ये लोग कुछ नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में अपने ससुराल बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उनकी वहां भव्य स्वागत हुई। सन ऑफ मल्हा के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा, हमारा मकसद सभी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने इशारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का काम ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि यह लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा, हम ऐसे घरों में दिया जलाने निकले हैं जहां अंधेरा है। हम गरीब पिछड़ों की बात कर रहे हैं जिनके घरों तक आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। हम वहां तक विकास पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर और गिरिराज सिंह पर खूब गरजते हुए सुनिए क्या बोले। चुनाव जो होता है वो विचारधारा का होता है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है, आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पे भी उनका देख रेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फील्डिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुँचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को देश में और या राज्य में कहीं पर राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। आप बताइए, इस देश में बाबा साहब का देश है, हमारे महात्मा गांधी जी का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी का देश है। आप बताइए, ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? और एक पार्टी का बड़ा नेता, देश का मंत्री, और वो ऐसे एक जाति एक धर्म के लिए अगर इस तरीके से नफरत फैलाए तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग कुछ नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है।